भारत में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन की एंट्री हो गई है। ब्रिटेन से आए 6 लोग कोरोना वायरस के नए प्रकार से संक्रमित पाए गए हैं। जानकारी के मुताबिक इन सभी लोगों को राज्य सरकार द्वारा एक सेल्फ आइसोलेशन रूम में रखा गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इन 6 लोगों में से 3 में नया स्ट्रेन बेंगलोर, 2 हैदराबाद और 1 पुणे की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के लैब में पाया गया है। तमिलनाडु के स्वास्थ्य सचिव जे राधाकृष्णन ने बताया कि तमिलनाडु में यूके से लगभग 2018 लोग आए थे, जिसमें से 1500 लोगों का परीक्षण किया गया और लगभग 17 लोग संक्रमित पाए गए हैं। एक व्यक्ति में मंगलवार को वायरस के नए स्ट्रेन की पहचान हुई, अभी उसका इलाज चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 25 नवंबर से 23 दिसंबर के बीच ब्रिटेन से लगभग 33,000 यात्री भारत में उतरे हैं। इन सभी यात्रियों को ट्रैक कर राज्य सरकारों द्वारा RT-PCR टेस्ट करवाया जा रहा है। अभी तक 114 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि ब्रिटेन से आने वाली फ्लाइट पर रोक ज्यादा दिनों के लिए नहीं होगी। With a mandate as an announcement, I foresee a slight extension of the temporary suspension because we are getting the fuller picture of what has happened. I don't expect that extension to be a long or indefinite extension. I'm not going to put a figure on it, but the words I'm choosing will give you an idea. A slight extension, small extension of the temporary suspension. Because I also see that flights from the United Kingdom to other countries are similarly suspended for the moment. But I think we are getting a handle on this. Once we have the genome sequencing completed and we have a fuller extent of the picture, and I think that will give us the confidence to open up flights again. कोरोना महामारी की दूसरी लहर से जूझ रहे ब्रिटेन में हाल में वायरस का नया प्रकार मिलने की बात सामने आई थी। कोरोना का यह नया वेरिएंट 70% अधिक संक्रामक बताया जा रहा है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा कि पुराने कोरोना के मुकाबले यह नया वेरिएंट तेजी से फैलता है। इसकी वजह से पिछले हफ्ते भारत सहित 50 देशों ने वहां उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया। केंद्र सरकार ने 22 दिसंबर की मध्यरात्रि से लेकर 31 दिसंबर तक ब्रिटेन से आने वाली सभी उड़ानों पर रोक लगा दी है। वहां से आने वाले लोगों का कोरोना टेस्ट किया जा रहा है और उन्हें 14 दिन के लिए क्वारंटीन किया जाता है।